देखो देखो इस काल अग्नि को जलंधर, जिस सत्य से तुम आज जीवन पलायन करते रहे वो सत्य अब इसी काल अग्नि की पवित्रता से अवतरित होगा, और यही है तुम्हारे जीवन की अंतिम परीक्षा, जहां तुम महादेव के विरुद्ध अपने जीवन का अंतिम द्वंद्व लड़ोगे। क्या हुआ महादेव, अब किस बात की प्रतीक्षा, कीजिए आक्रमण। आप देवी देवता यही तो करते आए हैं, अपने अनुसार न्याय का अर्थ परिवर्तित करके अपने कर्मों का स्पष्टीकरण भी देते हैं। तो लीजिए, कीजिए एक असहाय अस्त्रहीन पर आक्रमण और दिखा दीजिए संसार को कि आपका वास्तविक न्याय क्या है, दिखाइए। इस युद्ध का अभिप्राय तुम्हें सत्य से अवगत कराना था जलंधर, और वो तभी संभव है जब तुम अपनी भूल को स्वीकार करके आत्मसमर्पण कर दो। इसलिए एक बार फिर तुम्हें अवसर प्राप्त होगा। हम शस्त्रहीन युद्ध करेंगे, अद्भुत महादेव, क्या प्रहार था, मैं आपके प्रहार से प्रभावित भी हुआ और भयभीत भी, किंतु अब आप मेरा किस प्रकार करेंगे महादेव, किस प्रकार? स्वयं महादेव भी अपने त्रिशूल से तुम्हें समाप्त नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ महादेव, आप तो निरुत्तर हो गए, किस विचार में पड़ गए आप? इसी विचार में ना कि जब आपका त्रिशूल भी मेरा अंत नहीं कर सकता तो अब आप मेरा अंत कैसे करेंगे? गौरी, जलंधर का अंत तभी होगा जब उसे उस सत्य के दर्शन होंगे, और उस दर्शन का मार्ग महाकाली से ही जुड़ा है। शिव और शक्ति एक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं,
मैं बताती हूं जलंधर कि तुम्हारा अंत कैसे होगा। महादेव, जो घटनाक्रम आपके तीसरे नेत्र के खुलने के कारण आरंभ हुआ था, उसका अंत भी आपके तीसरे नेत्र के खुलने से ही होगा। उस समय आपकी क्रोधाग्नि समुद्र में विलीन हो गई थी, किंतु अब मैं आपकी क्रोधाग्नि को स्वयं में समाहित करने के लिए सज्ज। मुझे भली भांति ज्ञात है देव कि मेरे इस कर्म का प्रतिफल क्या होगा, किंतु आप खोलिए अपना तीसरा नेत्र और भस्म कर दीजिए जलंधर को। मैं आपकी क्रोधाग्नि स्वयं में समाहित करने के लिए सज्ज हूं। एक मूर्ख की मूर्खता का दंड संपूर्ण सृष्टि भोगे ये तो उचित नहीं। अब इस घटना चक्र के अंत का यही एकमात्र शेष है। महादेव की क्रोधाग्नि का ताप गंगा के लिए असहनीय होगा। आप कुशल तो है ना देवी गंगा? महादेव, आज आपने अपनी क्रोधाग्नि से न केवल ये दिव्य सुदर्शन चक्र प्रदान किया, अपितु ये भी स्पष्ट किया है कि ये सुदर्शन चक्र न केवल इस संसार से दुष्टता और नकारात्मकता का अंत करेगा, अपितु एक ऐसी दृष्टि प्रदान करेगा जिससे व्यक्ति का परिचय जीवन के अंतिम सत्य से होगा। जो व्यक्ति को सुदर्शन प्रदान करेगा, जो इस संसार में कुदर्शन को सुदर्शन में परिवर्तित कर दे, ये वो चक्र। और इस चक्र की रचना करने की प्रेरणा भी मुझे आप ही से प्राप्त हुई थी। आप ही ने कहा था ना
कि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति भी है, वो शक्ति जो सती के समय आपकी विरक्ति का कारण बनी, सती की मृत्यु के पश्चात इसी सुदर्शन चक्र के माध्यम से सती 5 तत्वों में विलीन हुई और आप सती के मोह से विरक्त हुए। इसके विपरीत वो शक्ति जिसने आपकी क्रोधाग्नि के रूप में आपसे पृथक होकर जलंधर का रूप धारण किया, उसके विलीन होने का समय आ गया है और वो शक्ति भी आप ही में विलीन होगी। इस प्रकार ये सुदर्शन चक्र ही इस घटनाक्रम को पूर्ण करेगा। जलंधर, यही है तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, सुदर्शन चक्र। यही तुम्हें यथार्थ से साक्षात्कार करवाएगा, वो यथार्थ जिसे तुम आजीवन नकारते रहे, किंतु यही अब तुम्हारा और इस युद्ध का अंत होगा और एक नए घटनाक्रम का आरंभ। महादेव, आप सुदर्शन से मेरा अंत करना चाहते थे ना, तो कीजिए अंत। रुक क्यों गए, वो खेल रहे हैं इस वाग मेरे साथ। शक्ति है ना आपके पास मेरा अंत करने की, मुझे दंड देने की शक्ति है ना, दीजिए मेरा अंत, दीजिए मुझे दंड, कर दो मेरा अंत। माया हो या यथार्थ हो, मुझे प्रभाव नहीं पड़ता, मुझे केवल इस चक्र से जागना है, मुक्त होना है। अब तुम्हारे जागने का नहीं, तुम्हारी जागृति का समय है जलंधर। तुमने महादेव का स्थान लेने का प्रयास अवश्य किया, किंतु तुम ये भूल गए कि लहरें जितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, वे समुद्र का भाग ही होती है, समुद्र नहीं। मेरे जीवन का आरंभ जिस प्रश्न से हुआ, उसका उत्तर मुझे अब जीवन के अंत पर प्राप्त हुआ। अंततः मुझे ज्ञात हुआ कौन है महादेव। जलंधर, महाकाली ने तुम्हें सत्य से परिचित करा के तुम्हें मुक्ति की ओर अग्रसर किया है। महादेव,
मुझे इस जीवन से मुक्ति प्रदान करें माता, मुक्ति प्रदान करें। यही मेरा और महादेव का अंतिम उद्देश्य है जलंधर। हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त हो जाओ, यही तुम्हारा अंत है और यही तुम्हारा आरंभ भी। उस लहर का समुद्र में विलीन होने का समय आ गया। आपके अंश का आप में आत्मसात होने का समय आ गया है।